दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया दर्मी 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, चैनल को आप तभी सब्सक्राइब करना जब आपके रिलेटेड ही वीडियो अच्छा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, या आपसे रिलेटेड वीडियो, ठीक है ना। आपको यदि जानकारी पसंद आए और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज मैं बात करने वाला हूँ BSF ट्रेड्समैन भर्ती फुल, आपका फुल डिटेल में आपको फुल डिटेल आपको देने वाला हूँ राजस्थान, राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में कहाँ कहाँ होगा। अब बात करेंगे सर, अब बोलेंगे सर राजस्थान से, राजस्थान का नहीं, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं है। मैं आपका यूपी का भी लेकर आने वाला हूँ, बिहार का भी लेकर आने वाला हूँ, एमपी का भी लेकर आने वाला हूँ, और आपके जो ये ना हरियाणा का भी लेकर आने वाला हूँ, पंजाब का भी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। और आपका ये छत्तीसगढ़, मैं हर राज्य को यहाँ कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, मतलब सीधी सी बात ही, ठीक है ना। तो देखो वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आपके ही बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं सर पागल बना रहे हो, क्यों पागल बना रहे हो। ध्यान से देखो, मैं मेरे बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा, आज इतना दिन नहीं बताया। ये मेरे को कैसे पता, ये सब कुछ मेरे को कैसे पता, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जहां जहां आपके फिजिकल होंगे ना राजस्थान में BSF ट्रेड्समैन के, उन सब में जगह मेरा फिजिकल किया हुआ है। तीन ग्राउंड है, तीनों ग्राउंड में आपका फिजिकल किया हुआ है, बल्कि एक ग्राउंड और है जिसमें मेरा फिजिकल नहीं किया हुआ, पर उस ग्राउंड में जैसे आपके गंगानगर में दो ग्राउंड है, तो एक ग्राउंड में मेरा फिजिकल किया हुआ, एक ग्राउंड में नहीं किया हुआ, पर उस ग्राउंड को जाके देखा हुआ मेरे को, तो उस ग्राउंड के बारे में मेरे को नॉलेज है। तो देखो बात करते हैं कहाँ कहाँ आपका फिजिकल होगा, क्या क्या नहीं होगा। अब देखो बात हो, सबसे पहले कि मेरा फिजिकल कहाँ कहाँ हुआ था वो बता देता हूँ मैं आपको। 2015 SSCGD गंगानगर, ठीक है। 2017 BSF ट्रेड्समैन जोधपुर, ठीक है। 2019 बीकानेर, कौन सा BSF ट्रेड्समैन, ठीक है। ये मेरे फिजिकल हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है राजस्थान में दौड़ कहाँ कहाँ पर होगी, तो राजस्थान में दौड़ यही तीन जगह आपका है। BSF का हेडक्वार्टर पड़ता है राजस्थान, फ्रंटियर हेडक्वार्टर आपका जोधपुर में, BSF का आपका बीकानेर में और गंगानगर में, तीनों जगह आपका बड़े बेस कैंप है। जोधपुर में BSF का ट्रेनिंग सेंटर है जो आपका मंदोर रोड पे स्थित है, ठीक है ना। BSF का वहां पर आपका फिजिकल होने वाला है जोधपुर में। गंगानगर में आपका जैसे सीकर बीकर आपके जो आपकी गंगानगर आपके सीकर गंगानगर रोड है ना, उसी के ऊपर आपका BSF का एक हेड वो कैंप पड़ता है, वहां पर ये फिजिकल होने वाला है। बता दूं आपको, यहाँ से केवल बॉर्डर और बॉर्डर मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है। BSF ये गंगानगर हेडक्वार्टर जो BSF का कैंबर है उससे मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है। एक बात ये बता दूं, बीकानेर, बीकानेर आपका सीकर बीकानेर बाईपास होता है NH-52, उसके ऊपर बीकानेर का BSF बड़ा कैंप है, आर्मी का भी है, BSF का भी, एयरफोर्स नेवी, नेवी का नहीं सॉरी, एयरफोर्स आर्मी और BSF CISF CRPF और CISF, चार पांच छह का फोर्स होगा वहां पर, आपको बड़ा आपके बेस कैंप से बड़े बड़े, ठीक है ना। तो आपके वहां पर, अब देखो बात करते हैं सारे के सारे बताऊंगा ग्राउंड कैसे, ग्राउंड कहाँ कहाँ है, बिल्कुल आपको हवा में नहीं दे रहा हूँ। यदि इनका आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ में आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसके अंदर ये प्रूफ दिखा दूंगा, हाँ भाई ये देख सकते हो, ठीक है ना। तो वो प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये सारे के सारे आपके फिजिकल यहाँ होने वाले हैं राजस्थान के। अब बात करते हैं देखो गंगानगर, सबसे पहले मैं बात करूंगा गंगानगर की कि ग्राउंड कौन सा अच्छा और कौन सा नहीं है। गंगानगर में क्या करेंगे आपको, यदि आपका एक नंबर ग्राउंड होगा, दो नंबर ग्राउंड होगा, दोनों ग्राउंड में बताऊंगा, एक नंबर ग्राउंड में यदि आपका फिजिकल होगा तो आपको वो ट्रक में डाल के और 5 किलोमीटर दूर ले जाएंगे एक गांव के अंदर, वहां पर आपको छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद वहां पर आपका अच्छा सा बेंच बना हुआ होगा, बेंच से आप लगभग वो 300 से 350 तक वहां पर बेंच बनाते हैं, ठीक है। उस रोड पर आपको दौड़ना है, सिंगल रोड है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, जो आगे BSF की जगह जगह फोर्सेज के जवान रहते हैं, ठीक है। वो आपको गंगानगर में एक नंबर ग्राउंड में वो कराएंगे।
सेकंड 2 नंबर ग्राउंड में, ध्यान से सुन लेना, 2 नंबर ग्राउंड में आपके क्वार्टर के अंदर दौड़ होगी, यानी क्वार्टर बने हुए हैं, क्वार्टर के अंदर आपकी दौड़ होने वाली है। आपका गंगानगर के दोनों ही ग्राउंड अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आपकी रोड पर दौड़ होने वाली है, ये बात मैं आपको अभी कंफर्म कर देता हूँ। और एक बात और बता दू, गंगानगर में 1 नंबर होते हैं, 2 नंबर ग्राउंड और अच्छे अच्छे ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं, सबसे ज्यादा ग्राउंड बेस्ट गंगानगर के ही, ठीक है, दोनों के दोनों ग्राउंड है आपके बेस्ट है। बात आती है जोधपुर की, तो जोधपुर वाला मंदोर रोड पर स्थित है बीएसएफ का कैंप, जहां पर बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर भी है, सामने बीएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, इधर आपका कैंप है, बड़ा कैंप है, वहां पर ही आपका मेडिकल होने वाला है राजस्थान वालों का, ध्यान से सुन लेना। और जोधपुर में भी आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है, ये भी मैं बता दूं आपको, जोधपुर में भी रिटर्न टेस्ट होगा, जोधपुर में भी आपका मेडिकल होगा, ठीक है। दो बात, तीसरी बात आपको ये और बता रहा हूँ आपको कि जोधपुर में फिजिकल भी होते हैं और ट्रेड टेस्ट भी होता है, ध्यान रखना। तो मंदोर रोड पर जो ग्राउंड है वो आपका कहाँ है, जो ट्रेनिंग सेंटर का है ना बच्चे, यानी कि वो लगभग बता रहा हूँ आपको, जिसे हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ये अब राजस्थानी भाषा में तो बौड़ा बोलते हैं उसको, नीम आप जिसे क्या बोलते हैं उसको, क्या यार मेरे को सही से उसका नाम नहीं पता है, पर बता दू आपको, जिसे सुन वाले पेड़ होते हैं, बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, उनके बीच में एक ग्राउंड बना हुआ है, जहां पर वो बीएसएफ के जो बंदे ट्रेनिंग करते ना वो आपके चक्कर लगाते रहते हैं, और वही ग्राउंड आपके लिए प्रयोग में ले जाता है। ग्राउंड अच्छा है, ग्राउंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम इतनी सी है, उसमें आपकी रोड नहीं है, उसमें केवल आपका कच्चा रास्ता है, तो उससे आपको दौड़ पास करनी होगी, 3 चक्कर वहां पर लगवाते हैं, 3 चक्कर आपको लगवाते हैं, 2 चक्कर आपको पूरे लगाने हैं और 1 चक्कर आपको आधा लगवाना है जोधपुर में, ये बात बता रहा हूँ, 2 चक्कर आपको पूरे लगाने और 1 चक्कर आपको आधा लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से आप जोधपुर का ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं, जोधपुर का ग्राउंड आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि आपका रास्ता कच्चा, इसलिए गंगानगर सबसे बेस्ट ग्राउंड है। बात करते हैं बीकानेर वाले की, तो NH 52 पर स्थित है बीकानेर वाला, वो ध्यान से सुन लेना, ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड आपका बहुत ही अच्छा है, ग्राउंड बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, पर बता दूं ध्यान रखना, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़े टिब्बे वापस ढलन और फिर से आपका टिब्बे, इस प्रकार से ग्राउंड है, वैसे बता दूं ज्यादा नहीं है, 3 चक्कर, हाँ 3 ये 4 चक्कर लगा दे, टोकन वाइज ये चक्कर लगा दे, 4 3 4 चक्कर लगा दे, 3 टोकन आपको लेने, यानी कि 1 चक्कर में जाओ 1 टोकन, 2 चक्कर में जाओ 2 टोकन, और 3रे चक्कर में जाओ 3रा टोकन, और 4थे चक्कर में आप रुक जाओ, इस प्रकार से आपको 3 टोकन और 3 टोकन दिखाने के बाद ही आप पास हो गए, यदि आपके पास 3 टोकन नहीं है तो आप वहां पर फेल हो जाओगे, कोई आपको फिर से नहीं कराया जाएगा, ठीक है। एक बात ये भी आप कान खोल कर सुन लेना, टोकन वाले दौड़ बीकानेर के ग्राउंड में होती है, ठीक है। बीकानेर में मैंने आपको बीएसएफ ट्रेड में 2019 में फिर आपका फिजिकल किया था, और वही आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा, बीकानेर बता दू आपको कि आपका ना बड़ा सा एक हॉल बना हुआ है, उसके अंदर आपका पूरा फिजिकल होता है, और बता दू चारों तरफ एकदम खुला है, कोई दिक्कत नहीं, बीकानेर में एकदम चारों तरफ खुला है, ठीक है, ये बात आ गई आपको, अच्छा ग्राउंड, सबसे अच्छा ग्राउंड गंगानगर का, उसके बाद में आपका ये बीकानेर का ग्राउंड है, जोधपुर का थोड़ा सा यार कच्चा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, बीकानेर का ग्राउंड अच्छा है, ठीक है, दोनों ग्राउंड अच्छे हैं, वैसे तो आपके तीनों चारों ग्राउंड अच्छे, 5 किलोमीटर की दौड़ के ऐसी तैयारी करा दूंगा, ऑल इंडिया का प्रत्येक कैंडिडेट, ऑल इंडिया जो भी 0.2 का यूट्यूब चैनल का प्रत्येक कैंडिडेट आपका फिजिकल पास करेगा, और सारे के सारे बच्चे रिटर्न में बैठेंगे, और सारे के सारे एक ही दबदबा होगा ऑल इंडिया जो भी 0.2 का, क्योंकि फिर बेचैन चला रहा हूँ, फिर सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, क्लासे नहीं ले रहे हो, कोई मेरे को कुछ नहीं दिक्कत है, पर आप सोचो यार क्या करोगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा कैसे करोगे, उन्होंने सोचा आपके बारे में कि मेरा बेटा फौजी बने, फौज की वर्दी पहनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, आज का जमाना वो नहीं है कि आप फिजिकल पास कर दे फौज की वर्दी पहन लेते हो, नहीं पहने, ये चारों के तीनों फिजिकल पास है, क्या करो आज तक देखो आपके सामने करो, नहीं मिली ना वर्दी, तो अब की बार वर्दी लेकर दिखाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको मैं वर्दी पहनाऊंगा और मैं भी लूंगा आपके साथ में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये तीनों के आपके चारों के चारों ग्राउंड है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर ग्राउंड का बता दिया मैंने, हाँ लड़के ज्यादा पास होते हैं, तो अगर गंगानगर और बीकानेर में बहुत ज्यादा लड़के पास होते हैं, ध्यान रखना बीकानेर और गंगानगर में बहुत ज्यादा पास होते हैं। बात करते हैं जोधपुर में क्यों पास नहीं होते, क्योंकि एक तो बता दो जोधपुर में ज्यादा तो आपका थोड़ा सा कच्चा रास्ता, उसमें क्या है कि
एनी टाइम आपके ट्रेनिंग वाले बच्चे दौड़ते रहते हैं, तो क्या है कि धूल होती है और धूल में पैर है ना वो ज्यादा नहीं उठ पाते, इस कारण से जोधपुर वाला थोड़ा सा ग्राउंड टपड़ता है, पर इससे कोई दिक्कत नहीं, जोधपुर वाला भी पास कर देंगे यार। ठीक है ये बता दिया मैंने, अब आपने ये बहन दूर हो गया आपका कि मेरे को कैसे पता और कैसे नहीं पता। ठीक है राजस्थान में दौड़ कहाँ कहाँ हो गई, कौन सा ग्राउंड अच्छा है और कौन सा ज्यादा लड़के पास होते हैं बता दिया। ग्राउंड ही सिटी से या रेलवे से कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, ये मैं सवाल है भाई। चारों के चारों, तीनों के तीनों ग्राउंड बता रहा हूँ, चारों बता रहा हूँ आपको। गंगानगर ग्राउंड, आप यदि एक नंबर ग्राउंड में आओगे बस आपको रोडवेज स्टेशन से आपको मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दो नंबर ग्राउंड में आप जाओगे 3 किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों एक दूसरे से, ये रोडवेज बस स्टेशन इधर ही है इधर ही है, ऐसे है दोनों। ठीक है तो ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। जोधपुर वाला ग्राउंड रेलवे स्टेशन से मात्र आपके 3 किलोमीटर की दूरी पर है, बंदोर रोड पर जो ग्राउंड है वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बीकानेर वाला आपका मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है आपका रेलवे स्टेशन से, और बस डिपो से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है जब भी आपका फिजिकल है कोई दिक्कत नहीं, आपको भाई आपके साथ है, सारे के सारे सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है यूपी वाला ये बताऊंगा, एमपी वाला भी बताऊंगा, और बिहार वाला भी बताऊंगा, पंजाब हरियाणा जो भी आपका राज्य सबके बताने वाला हूँ, और उनकी जानकारी तो देखो भाई मैं इकट्ठा करके आपको बताऊंगा। ठीक है ना, उनका मेरा देखो कभी गया हुआ नहीं, इन ग्राउंडों में मेरा गया हुआ, इन ग्राउंडों में मेरे पास किए, इन ग्राउंडों का सारा नॉलेज मुझे है। ठीक है अब देखो अभी भी यदि कोई बच्चे को कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से कर सकता है, या मेरे से आप व्हाट्सएप पर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर बात आते हैं, कई बच्चे बोल रहे सर व्हाट्सएप पर बात है, बता दूं आपको 1700 चैट हो चुकी है, 1700 चैट मैसेज आ चुकी है, तो अब कब जवाब दूं मैं उनका। तो आप है ना एक काम क्या करो, 7:30 बजे आपका लाइव आते हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, तो आप इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर मैं लाइव आता हूँ, उससे आपका 2 से 3 घंटे पहले आपका रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ या आपको सूचना दे देता हूँ। ठीक है ना वहां पर आपका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो लाइव में ताकि आपका सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है ना अदरवाइज जो आपके आप 1700 चैट हो चुके हैं, 1700 में मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज है जैसे किसी ने आपका वो भेजा है आपकी फोटो वगैरह, तो वो मैं जांच करके बताता हूँ उनको, पर यार इस सारे 1700 चैट्स के जवाब नहीं दे जा सकते ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप कॉल करेंगे, और व्हाट्सएप कॉल करने के साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का एक ही फायदा कि मैं लाइव आऊँ आपको पता चल जाएगा। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताना, अब यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को ऑन करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दो। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम भाइयों।